करेंसी की बात करें तो दोस्तों बिटकॉइन और इथेरियम के बाद सबसे पॉपुलर होते हैं मीम कॉइन्स लाइक डोज कॉइन और शिबा कॉइन। इनके जैसे बहुत सारे और भी कॉइन्स हैं। मीम कॉइन्स इंस्पायर्ड होते हैं दोस्तों पॉपुलर इंटरनेट मीम से लाइक इमेजेस वीडियोस और फ्रेजेस। बहुत सारे मीम कॉइन्स आपको क्रिप्टो मार्केट में देखने को मिल जाएंगे, बट आज की वीडियो में हम कंपेयर करने वाले टॉप 3 मीम कॉइन्स डोज कॉइन शिबा कॉइन और पेपे कॉइन को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। फर्स्ट आता है दोस्तों डोज कॉइन। डोज कॉइन इंस्पायर्ड है दोस्तों डोज मीम से, जिसमें हमें शिबा इनू की पिक्चर देखने को मिलती है। डोज कॉइन को एज अ जोक क्रिएट किया गया था दोस्तों, बट टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने इसमें काफी इंटरेस्ट दिखाया था और इसके फेवर में कई सारे ट्वीट किए हैं पास्ट में, जिस वजह से डोज कॉइन के प्राइस में हमें काफी राइज देखने को मिला था और इसने अपने इन्वेस्टर्स को अच्छा प्रॉफिट बनाकर दिया था। सेकंड है दोस्तों शिबा इनू कॉइन। इसे बस डोज कॉइन को कंपटीशन देने के लिए बनाया गया था, बट राइट नाउ शिबा इनू के डेवलपर एक इकोसिस्टम बनाने में लगे हुए हैं। थर्ड एंड लास्ट है दोस्तों पेपे कॉइन। पेपे कॉइन को क्रिएट किया गया था दोस्तों फ्रॉग इंटरनेट मीम को ट्रिब्यूट देने के लिए। रिसेंटली पेपे कॉइन का काफी बज हमें मार्केट में देखने को मिला था और इसे भी इथेरियम प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है। तीनों मीम कॉइन्स को कंपेयर करने के लिए मैंने 3 फैक्टर्स को इंक्लूड किया है, टोटल सप्लाई, यूज केस और पास्ट परफॉर्मेंस। कॉइन की सप्लाई इंपॉर्टेंट फैक्टर में से एक है दोस्तों, जो क्रिप्टो के प्राइस को इफेक्ट करती है। डोज कॉइन की टोटल सप्लाई दोस्तों अनलिमिटेड है, जिसका मतलब है इसे कितना भी इंक्रीज किया जा सकता है और डोज कॉइन एक माइनेबल कॉइन है जिसे आप माइन भी कर सकते हो। शिबा इनू कॉइन की टोटल सप्लाई है दोस्तों 589 ट्रिलियन, पर आफ्टर शिबा बन प्लेटफॉर्म इसकी टोटल सप्लाई को दोस्तों डिक्रीज किया जा रहा है। पेपे कॉइन की टोटल सप्लाई है दोस्तों 421 ट्रिलियन डॉलर के अराउंड। डोज कॉइन और शिबा कॉइन दोनों से ही कम है, बट इसके अलावा दोस्तों और भी फैक्टर है जो प्राइस को इफेक्ट करते हैं। सेकंड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है दोस्तों रियल यूज केस। पेपे कॉइन इंस्पायर्ड है दोस्तों एक मीम से, जिसे एज अ जोक और फन के लिए बनाया गया था। इसका यूज केस 0 के बराबर है। शिबा इनू कॉइन की बात करें तो दोस्तों इनके डेवलपर्स ने एक इकोसिस्टम बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया है, जिसमें कई सारे शिबा इनू से रिलेटेड प्रोजेक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे, लाइक शिबा स्वैप, शिबा बोन, शिबा NFTs और कई सारे फ्यूचर प्रोजेक्ट दोस्तों डेवलपिंग स्टेज में है, लाइक शिबा मेटावर्स, शिबा गेम एंड शिबा स्टेबल कॉइन्स, जो दिखाता है शिबा इनू के डेवलपर्स इसके इकोसिस्टम को लेकर काफी सीरियस है। बट डोज कॉइन दोस्तों रियल यूज केस के मामले में दोनों ही कॉइन को पीछे छोड़ देता है, क्योंकि डोज कॉइन एक ऐसी क्रिप्टो है दोस्तों जिसे वाइडली एक्सेप्ट किया जाता है एज अ पेमेंट। इस वजह से इन तीनों कॉइन में से डोज कॉइन अकेला ऐसा कॉइन है दोस्तों जो रिवेन्यू जनरेट करता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों इनके पास प्राइस परफॉर्मेंस की। डोज कॉइन अपने ऑल टाइम हाई से दोस्तों 92% तक करेक्ट हो चुका है। इसके साथ ही शिबा इनू कॉइन भी 90% के अराउंड तक करेक्ट हो चुका है और पेपे कॉइन दोस्तों 75% के अराउंड तक करेक्ट हो चुका है। तीनों ही मीम कॉइन्स ने दोस्तों अपने पास्ट में इन्वेस्टर को काफी अच्छा खासा रिटर्न बनाकर दिया था, बट राइट नाउ तीनों ही डाउन ट्रेंड में है और ये तीनों अपने ऑल टाइम हाई को फिर से टच कर पाएंगे या नहीं, ये कहना बहुत मुश्किल है। शिबा इनू कॉइन, डोज कॉइन और पेपे कॉइन तीनों ही दोस्तों मोस्ट पॉपुलर मीम कॉइन्स है क्रिप्टो मार्केट में। आपका फेवरेट मीम कॉइन कौन सा है दोस्तों, ये हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर इनमें से किसी एक को चूज करना है तो दोस्तों मैं जाऊंगा डोज कॉइन के साथ, क्योंकि डोज कॉइन एक ऐसा कॉइन है दोस्तों जिसे वाइडली एक्सेप्ट किया जाता है एज अ पेमेंट और जो रिवेन्यू भी जनरेट करता है। इसके साथ ये टॉप 10 क्रिप्टो में से एक है। इनको इसका फ्यूचर डिपेंड करता है दोस्तों इनकी एबिलिटी पर, वो कितना सस्टेन कर पाते हैं अपनी कम्युनिटीज को। बट कोई भी डिसीजन लेने से पहले दोस्तों एक बार खुद से रिसर्च जरूर करें, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, क्योंकि मीम कॉइन्स हाईली स्पेकुलेटिव और रिस्की इन्वेस्टमेंट है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए एंड लास्ट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।